श्रीगंगानगर के घरसाना में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में दो तीन दिन में अचानक बढ़ोतरी से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। हालांकि अधिकांश समय बादल छाए रहे लेकिन गर्मी में कमी नजर नहीं आई। आज अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत में भी बढ़ोतरी हो गई है। में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग है जो बीकानेर से गरसाना और गरसाना से अनूपगढ़ की ओर जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। लेकिन सड़क पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का वाहन ही कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। वह आमजन, राहगीर वे दुकानदारों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आज गरसाना में लगभग 47 डिग्री से अधिक तापमान जो है वो बताया जा रहा है। लोग इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए पेयजल और ठंडे जल का जो है उपयोग कर रहे हैं, ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी और दूसरी तरफ गर्मी के तीखे तेवर। वहीं स्वास्थ्य महकमे द्वारा इसके बचाव के लिए कहा गया है और लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। मैं मेरे सहयोगी शिव शंकर के साथ विकास परिक, A1 TV, गरसाना।